नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, शिक्षक भर्ती, लेबर इंस्पेक्टर, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है, रिकॉर्डेड के तौर पर बिल्कुल आपको फ्री क्लास मिल जाएगा हमारे चैनल पर। अगर आप छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान प्लस कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जा रही है। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, व्यापम पीएससी निकालना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, अगर आप एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना, चाहे वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको अच्छे से तैयारी करना है, अगर तैयारी करना ही चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके व्यापम और पीएससी से, जो कि आपके विगत वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तैयारी करना ही चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ हॉस्टल भर्ती, एसआई भर्ती, हॉस्टल भर्ती, एसआई भर्ती, लेबर इंस्पेक्टर और शिक्षक भर्ती वाला तैयार हो जाइएगा। सभी का कम्बिनेशन क्लास आज लेकर आया हूँ, जो कि आपके 15 से 20 नंबर आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जनगणना और जनजाति से प्रश्न, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी क्लास है आपका, बिल्कुल फ्री है और निःशुल्क के साथ, है ना, बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड के तौर पर आपको क्लास मिलेगा। और तैयारी अच्छे से करिएगा, रणनीति के साथ मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के तौर पर क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, हाँ कल से स्टार्ट हुआ है क्लास बच्चों, कल से स्टार्ट हुआ है, आज आपका सेकंड दिन है ना, तैयारी करते रहिएगा। पहला दिन का वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा यहाँ बातें नहीं करना है, बिल्कुल तैयारी करना है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया साक्षरता दर, तो आप बताएंगे 17.30%, ठीक है, 17.30% यानी कि 70% यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, जबकि 2001 के अनुसार पूछा जाए तो 64.7%, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, अगर पुरुष के लिए पूछा जाए तो 80 बताएंगे और महिला के लिए पूछा जाए तो 60% बताएंगे, कितना फिर से बताइएगा, कमेंट ना करें ना यहाँ पर बिल्कुल। अच्छा, मेरे को पैसा मिला है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ पैसा मिल गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर पुरुष के जो साक्षरता दर है 80% है, कितना परसेंट, 80, जबकि महिला के लिए यहाँ पर कितना परसेंट है, 60%, बिल्कुल ये टॉपिक रट लीजिएगा, एग्जाम में आता है हर एक एग्जाम में। चलिए जनगणना 2001 में साक्षरता की दृष्टि से, ठीक है, जनगणना 2001 में साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश का कौन सा स्थान है, तो ये आपका 23वां स्थान है, याद रखिएगा 2001 के जनगणना के अनुसार, जबकि 2011 में पूछा जाए तो आप 20 बताएंगे, 20वां, ठीक है, 2001 में जनगणना के उस देश का कौन सा स्थान था, 23वां, जबकि 2011 में 20वां स्थान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक नज़र इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, एक नज़र याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाइयाँ जो है इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रफल आपका कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार 135,192 वर्ग किलोमीटर, जबकि संभाग की संख्या कितनी है, 4, जिलों की संख्या 18, तहसीलों की संख्या 149, विकासखंड की संख्या 146, कुल नगर संवैधानिक नगर 168, जनगणना नगर 43, जबकि ग्रामों की संख्या 20,126, जबकि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, वर्तमान में 33 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जितने भी प्रश्न है पूरा रट ले, पूरा रट्टा मार ले, ये जितने भी जनगणना से पूछे गए हैं पूरा व्यापम पीएससी
बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वन रक्षक में, व्यापम क्षेत्रफल में, व्यापम 2016 में, सभी CGPSC और व्यापम में ही पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पूरा ऑनलाइन क्वेश्चन है, जितने भी है सब CGPSC और व्यापम में पूछे गए हैं। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 25,54,51,198। बिल्कुल सही है, क्षेत्र वन रक्षक में पूछा गया है। ठीक है, एक मिनट, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है आपका 25,54,5,198 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, छत्तीसगढ़ जनगणना राज्य में नियमित जनगणना का प्रारंभ हुई 1881 में। नियमित अगर जनगणना पूछा जाए तो आप 1881 बताएंगे, वन क्षेत्र 2016 में पूछा है। उसी प्रकार 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या घनत्व वृद्धि कितनी है, 35, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात आपका 991 कितना है, 991। व्यापम 2016 में पूछा है, निम्नलिखित देश में किस जिले में 2001 से 11 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो ये आपका कबीरधाम। 2018 में पूछा है CGPSC में। ठीक है, चलिए जितने भी प्रश्न सब भी व्यापम और PSC में पूछा गया है, रात कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के साक्षरता का निकटतम यानी कि सबसे नीचे जो है 70% PSC 19 में। किस जिले में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या, धमतरी, CG व्यापम 2017 में। सबसे कम महिला साक्षरता, बीजापुर। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, कबीरधाम 2014 में। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व है 189। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में जनसंख्या सर्वाधिक है, गोंड। यहाँ पर क्लियर मैसेज ना करें, बिल्कुल तैयारी करें। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य के कितने जिले में लिंगानुपात है 1000 से अधिक यानी कि 7। छत्तीसगढ़ व्यापम 2013 में जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्त्री पुरुष साक्षर, मैं अभी बताया हूँ आपको, अभी बताया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्त्री पुरुष की जो वृद्धि है 8% से लेकर 4% तक। ठीक है, ये वन लाइनर वाला है ना, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़ना तो जाइए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, व्हाट्सएप में सबसे पहले जाके जुड़ जाइएगा। इसका पूरा वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी सभी व्यापम PSC में पूछा गया है, ठीक है, ये सभी के सभी पूरा रट्टा मारने वाला है। जनगणना 2011 से जो भी एग्जाम में आया हुआ है पूरा प्रश्न रट्टा मारने वाला, ये जितना भी है सभी। हाँ, इसको मैं व्हाट्सएप में सेंड करने वाला हूँ। ठीक है, ये इतना मैं आपको पढ़ाते रहूँगा तो फिर टाइम हो जाएगा, है ना, पूरा मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप में पूरा। जाओ जल्दी से जाओ, पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से जाओ पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको बिल्कुल डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री क्लास है। पहले वीडियो को लाइक करो, पहले वीडियो को लाइक करो, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं पहले वीडियो को लाइक करो। ठीक है, जितने भी है सभी, देखिए व्यापम में पूछा गया है सभी, व्यापम PSC में, है ना, व्यापम PSC में पूछा गया है। ये जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ सभी प्रश्न व्यापम PSC में आया हुआ है, पूरा वन लाइनर है, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, पूरा वन लाइनर है, पूरा वन लाइनर है। हाँ, बिल्कुल तैयारी करो, है ना, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ये जितना भी 54 प्रश्न है यहाँ तक पूरा 54 प्रश्न आपको पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, जाओ उसको अच्छे से रट लो, मैं बार बार कह रहा हूँ रट लो, यहाँ से 2 से 3 नंबर प्रश्न आएंगे, रट लो, बिल्कुल रट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, रट लो। सबसे पहले चैनल को लाइक करो, मैं बता रहा हूँ पहले चैनल को लाइक करो, जितने भी जुड़ चुके हैं एक बार, बार बार मैं नहीं कहूँगा। और कमेंट बीच में ना करें ना, जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक माह की रणनीति के साथ बिल्कुल क्लास लेकर आया हूँ, बिल्कुल रट लो, हाँ रट लो। 54 प्रश्न आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में जाके जुड़ो, जाके जुड़ जाओ, वहाँ पर पूरा जुड़ जाओ। ठीक है, हाँ, अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इधर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी फिलहाल। तो चलिए, जनगणना की दूसरी जनगणना कब हुई थी छत्तीसगढ़ में, 2011 में, याद रखना 2011 में हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में प्रथम जनगणना कब हुई थी, जल्दी से बताइए, कमेंट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल एक में,
2001 में बिल्कुल प्रथम जनगणना हुई थी, ठीक है। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ग्रामीण में आपको अभी बताया हूँ, ग्रामीण जनसंख्या 76.76%, 76। ये जो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है आपका 76.76%, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ क्रम कौन सा है, ये आपका जो अनुसूचित जनजाति में आपका इसके बाद कौन सा आएगा, दसवां, तो अनुसार छत्तीसगढ़ में दसवां क्रम है। जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो जिलों की संख्या 2012 में 27 थी, जबकि वर्तमान में आपका वर्तमान में कितने जिले हैं, 33 जिला, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, कितने जिले हैं, 33, कौन कौन से हैं नीचे कमेंट में पूरा लिख के बताइएगा। भारत में पहली बार जनगणना यानी कि ब्रिटिश हुकूमत लॉर्ड मेयो के समय कब कराई गई थी, कमेंट करके बताएं ना, जल्दी कमेंट करनी स्टार्ट करें, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट कमेंट करें। 1872, 1881, 1890, 1888, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें, क्या आएगा, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, कौन सा आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करो, क्या होगा। भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश हुकूमत लॉर्ड मेयो काल में कब हुई थी, लॉर्ड मेयो काल पता है ना आपको कब हुई थी, जल्दी से बताइए, 1872 या 81, कितने लोगों का आया 72, बिल्कुल राइट, 1872, जितने भी लोगों को आया है आंसर ए होगा, वेरी गुड, 19% आंसर आया है, 90%, मतलब बाकी 10% कहाँ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा, चलिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करना स्टार्ट करें। जनगणना 1881 के आधार पर 2011 की गणना भारत की कौन सी जनगणना है, 13वीं, 14वीं, 12वीं या 15वीं, फटाफट से कमेंट करें ना यहाँ पर, बिल्कुल 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके वीडियो को फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, बेगूस तरह अपना बैठे, क्योंकि देखिए अब हॉस्टल बढ़ाना है, एसआई भर्ती है, लेबर इंस्पेक्टर है, शिक्षक भर्ती है, बहुत सारी वैकेंसी निकल कर आई है, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो वीडियो, छोड़ दो, देखना बंद कर दो, स्किप कर दो, वीडियो को मत देखो, जो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं ना वीडियो को मत देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, इधर मूड मत खराब करो ना, अब मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करो ना भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन लो, हाँ क्या होगा, जब मैं आपको क्लास करा रहा हूँ यहाँ पर फालतू को मैसेज मत करो ना भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, हाँ लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, सभी क्लास तो चल रही है एक ही साथ, कंबाइंड है, छत्तीसगढ़ सामान्य हर एक एग्जाम पूछता है, एडीओ का भी वैकेंसी है, एडीओ का भी आने वाला है, एबीओ का भी आने वाला है, पटवारी का भी आने वाला है, आरआई का भी आने वाला है, क्या कर रहे हो बेकूतर, बैठो फालतू का, तैयारी करो, मूड खराब करके रख देते हो, क्या बराबर में फालतू। जनगणना 1881 के आधार पर 2011 के कौन सी जनगणना है भाई, ये 14वीं जनगणना है, कौन सी 14वीं, कितने लोगों का है, 37% लोगों का आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, कमेंट करो, इतने में पास हो जाओगे हैं। चल मैं आपको बता रहा हूँ, हॉस्टल वार्डन में 500 पद दिया गया है, हैं 500 पद में पिछला वर्ग कितना है, 60% दिया है, 60 पोस्ट, अब क्या करोगे, उन्नति कर लोगे, अब मैं टेस्ट के रूप में तौर पर चल रहा है, फिर क्लास, फिर बोलते हो कि सर क्लास कितना टाइम लोगे, क्लास करने वरना कुछ नहीं है, फालतू बीच में तमाशा मारते रहते हो, ब्लॉक करूँगा इस बार, ब्लॉक करूँगा डायरेक्ट, मैं वीडियो नहीं देखेगा तेरे को, क्या है 1881 में 2011 अभी भी 37% है भाई, कोई बढ़ा नहीं रहा है, अरे कमेंट करो जितने भी जुड़ चुके हैं बच्चे यहाँ पर, क्या आएगा। दोरला आदिवासी की आबादी की मुख्यतः किस जिले में, जो दोरला है आपका, ठीक है, दोरला कौन सा आबादी क्या है, बीजापुर और दंतेवाड़ा, बैकू और अब दोनों होगा, बीजापुर और दंतेवाड़ा, बिल्कुल पैसा आ ही जा रहा है, बिल्कुल वेरी गुड, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लास करा रहा हूँ बच्चों, हाँ बिल्कुल फ्री क्लास करा रहा हूँ मैं, चलिए इसके बाद बताइएगा क्या आएगा आंसर।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 के जनगणना कौन सी जनगणना है? सातवीं जनगणना है भाई। कितने लोगों का है? 64 लोगों का आंसर आया। बाकी लोग बैठे हैं बेवकूफ़, गधे की तरह बैठे हैं, कमेंट करना भी नहीं चाहते हैं। तो काहे, अगर आप टेस्ट लगाएंगे टेस्ट सीरीज के तौर पर तो आप लोग अच्छे से नंबर लाएंगे ना। ऐसी भोग बात देख के बैठे लोग थोड़ी हो जाएगा, अरे मैं पास हो जाऊंगा, इतना पोस्ट आया, मैं लेके रहूँगा वैसे लेकर रहूँगा, बोलने से थोड़ी होता है। क्या क्या मूर्ख तौर पर मैं क्लास करा रहा हूँ क्या बेवकूफ? समझ नहीं आता भाई कहाँ कहाँ बच्चे ऐसे आ जाते हैं फालतू का। जनगणना राज्य के गठन के बाद दूसरी कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है कि पहली जनगणना है? अरे बेवकूफ क्या पूछा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 2011 जनगणना कौन सी है? अबे दूसरी जनगणना। मेरा मूड खराब मत करो फिर। हाँ ना भाई, कौन है? अरे साहू, कौन सा साहू? अरे क्या नाम है? साहू बस लिखा है, नाम बता नहीं रहा है। ऐसी कुछ भी तुक्का मारता है क्या? तुक्का मारने से अब एग्जाम में पास नहीं हो जाओगे? सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज ना करो ना गलत। बाकी बच्चों को प्रभाव पड़ता है भाई, बाकी बच्चों को प्रभाव पड़ता है, हैं? और बाकी लोग सुन लो, जो लोग आंसर पता है बिल्कुल फटाक से कमेंट किया करो, दे ऐसे चुपचाप ना बैठे रहो। कोई कमेंट करेगा तो मैं करूँगा, अरे वो कमेंट नहीं करे तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी कर रहे हो ना, तैयारी करना चाहते हो ना, हॉस्टल वार्डन है। एक मिनट ना, ये कौन बच्चा है बार बार कमेंट कर रहा है? इसको ना ब्लॉक ही मारूंगा, ब्लॉक ही मारता हूँ तेरे को, साहू को ब्लॉक मारूंगा। पहुँच हो गया। हाँ, जो लोग हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, शिक्षक भर्ती हैं, शिक्षक भर्ती, लेबर इंस्पेक्टर और एबीओ, एडीओ, कितने सारा वैकेंसी है, पूरा सिलेबस है, पूरा छत्तीसगढ़ के सामान है यहाँ से पूछता है, हैं? अब जिसका आंसर नहीं आएगा ना, वीडियो स्किप कर देना, वीडियो स्किप कर देना, मत देखना, है ना? वीडियो स्किप कर दे, मत ही देखना, तू निकल निकल जाना तू, है ना? चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इसका बताओ क्या आएगा इसका आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता 70.2% वाला जिला कौन सा है? यानी कि हाल ही में अभी जनगणना 2011 के अनुसार प्रश्न पूछा गया था आपको व्यापम पीएससी में, ठीक है? उसी प्रकार 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछा गया कौन सा है, धमतरी, राजनांदगांव या दुर्ग? तो इसका आंसर होगा दुर्ग। सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ हैं? दुर्ग जिले में तो होशियार बच्चे हैं, बाकी का कहाँ है? इसका बताए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर व जिला बीजापुर का साक्षरता प्रतिशत कितना है? मैं तो आपको बता दिया कि बीजापुर, लेकिन उसका प्रतिशत कितना है? 31.1%। कितने लोगों का आंसर आया है? 40 लोगों का, 40 यानी कि 40 लोगों का बस आंसर आया है, 42 हो गया, 42 लोगों का बस आंसर आ रहा है। बाकी कितने बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर? 250 बच्चे जुड़े हैं और कितना कमेंट आ रहा है? 40-42, मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हो? जनगणना 2011 के जनगणना छत्तीस, सब इसको छोड़ दो ना, ये नहीं आ रहा है, छोड़ दो, ये भी नहीं आया, छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, ये इसको भी छोड़ दो, ये पूछा गया एग्जाम में। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु का जो लिंगानुपात है 9:6:9, बिल्कुल याद रखो, शिशु का जो लिंगानुपात है 9:6:9, याद हो गया? कहाँ है? यहाँ पर 9:6:9 शिशु का पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जनसंख्या 2011 के अनुसार बताइएगा, पुरुषों की जनसंख्या ना, पुरुषों की जनसंख्या, पुरुष के लिए पूछा गया है, पुरुष ना कि स्त्री के लिए, आंसर डी। इसका तो जिसको पता है फटाक से कमेंट करें। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या मानने जाने वाला धर्म कौन सा है? सिख, मुस्लिम, ईसाई या हिंदू? तो सबसे ज़्यादा कितना, 30 मिनट आपको समय दिया रहा, 30 सेकंड का बिल्कुल समय दिया जा रहा, फटाक से कमेंट करें कितने लोगों का आंसर आ रहा है। सर्वाधिक संख्या में माने जाने वाला धर्म आपका हिंदू धर्म, 90% लोगों का आंसर हिंदू आया है,
और इधर ईसाई का 70%, सिख 30% दिया गया है। इसका बताओ कितने लोगों को मालूम है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सॉरी ना, सबसे कम जनसंख्या वाला छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? ये तो बिल्कुल सरल है, सीमावर्ती पूछा गया, सबसे छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जनसंख्या वाला पूछा गया है, कम पूछा गया ना, तो कम में कौन आएगा? झारखंड। झारखंड कितने लोगों का है? 45 लोग। तो ऐसे मेरा मुंह खराब नहीं होगा क्या? 250 से 300 बच्चे जुड़े हैं, यहाँ पर 45 आंसर आ रहा है। एक हजार से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सभी है भाई, सब भी 1000 से ऊपर है, ठीक है। 2011 के जनगणना में बस्तर जिले का लिंगानुपात कितना है? बस्तर का पूछा गया, जल्दी से बताइए क्या आएगा। 1017, 1005, 1010 या 1020? कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 30 सेकंड का समय दिया है, फटाक से आंसर कमेंट करें। सब भी का आना चाहिए, और सब भी का आंसर 1017 आया हुआ है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 के जनगणना में संभाग में तहसील एवं विल के छत्तीसगढ़ में थे? 397147। कितने लोगों का आंसर आया है? 22। वीडियो मत देखो यार, तुम लोग मत देखो, तैयारी करने वाले बच्चे ही नहीं हैं तो क्या मतलब।